हाँ जी बेटा, टुडे लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन. वी हैव डन यस्टरडे, बट लेट अस रिकॉल द थिंग्स. कल मैंने आपको एक जनरली सी बात बताई कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो चांस होता है. फिर मैंने आपको बताया आउटकम्स क्या होते हैं किसी भी इवेंट के या वैसे, है ना. तो वो सारा हमने स्टडी किया था कल. अब बेटा जो नई बात हमने वर्ड सीखना है, That is equally likely, है ना. हम जो प्रोबेबिलिटी, हम जो थ्योरी प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं ना, उसमें हर इवेंट के आने के चांसेस इक्वली लाइकली होते हैं. अब इक्वली लाइकली का मतलब, जैसे एक मैंने क्वाइन को थ्रो किया, ठीक है, हेड या टेल आने के चांसेस बराबर हैं, 1/2, 1/2. डाइस को थ्रो किया तो हर जो ये नंबर के आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं, 1/6, 1/6, 1/6. अगर मैं चलाकी से एक कॉइन पे ऊपर की तरफ कोई मार्क कर दूं या कोई हैवी चीज लगा दूं, तो मैं थ्रो करूं तो जो हैवी चीज वाला पार्ट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ आता है, होता है कि नहीं. उस केस में वो इक्वली लाइकली नहीं हुआ. मैं हम लोग राजा वजीर चोर सिपाही खेल रहे हैं, आने के चांसेस हर एक के 1/4, 1/4, 1/4. बट मैंने एक जगह अगर मार्क कर लिया और मैं हर बार राजा बनूं तो वो इक्वली लाइकली नहीं हुआ, क्योंकि मेरी श्योरिटी होगी, मुझे पता है, मैंने स्लिप्स बनाई है, मैंने उस पर मार्क कर लिया. मार्क कैसे किया, बाकी सारी प्लेन वाली चिट्स और जो राजे वाली है ना उसके साइड पे लाइंस वाली चिट्स है, तो मुझे पता चल जाएगा. तो उस केस में मेरी राजा वाली आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, लेकिन बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं उनके स्लिप उठाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे साथ इक्वली लाइकली नहीं है. इज इट क्लियर? तो हमारी जो क्लासिकल या थ्रेटिकल अप्रोच जो हम प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच कर रहे हैं, थ्रेटिकल या क्लासिकल अप्रोच, उसमें हम ये लेके चलते हैं हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वली लाइकली होती है. ओके जी, तो इसीलिए बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि ये इवेंट इक्वली लाइकली है कि नहीं है, तो वो आपने देखना है कि अगर आने के चांसेस इक्वल हैं सबके तो इक्वली लाइकली होगा, अगर चांसेस इक्वली नहीं है तो जो है इक्वली लाइकली नहीं होगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ. ओके बेटा, हाँ जी, एक्सरसाइज 15.1. हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी इजी, ऑलमोस्ट हम सारे के सारे ये जो है कल कर चुके हैं. पहला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट क्या होता है, 1. तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 के इक्वल. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट That cannot happened is impossible event जो है obvious है. पहले probability है तो वो zero होगा. Such an event is called is possible. तो पहले में zero मेरे पास जो है और दूसरे में impossible. Okay, next मेरे पास third part, probability of an event that is certain to happen. Certain मतलब sure to happen. ठीक है, इज 1. सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या पॉसिबल इवेंट जो है. श्योर इवेंट जो है वो करेक्ट वर्ड है. अब नेक्स्ट बेटा, द सम ऑफ थर्ड पार्ट जो है, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स. एलिमेंट्री मतलब जो बीच में से, जैसे डाइस फेंका है ना, 1 एक एलिमेंट्री इवेंट है उसका, 2 एक एलिमेंट्री इवेंट है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1 बनती है. तो मेरे पास हो गए फोर्थ केस में आंसर क्या आएगा, 1. नाउ कम टू फिफ्थ बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हमने किया था प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की
वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है? जीरो एंड वन के बीच में, जीरो भी इंक्लूड है वन भी इंक्लूड है। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर टू। स्टेट या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। मुझे बताना है कि उनके इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं है। उसके लिए बेटा फर्स्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। हाँ जी बताओ, एक सेकेंड, कैसे नहीं है दक्ष? दो ही ऑप्शन है ना, कार स्टार्ट हो जाए या ना हो, दो ही ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं होता कार मतलब स्टार्ट होगी, या स्टार्ट होगी तो होगी नहीं होगी, दो ही ऑप्शन है बेटा। वो तो उसने पूछा स्टार्ट, उसने ये नहीं पूछा आगे चली कि नहीं चली। दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग लाइक दिस ना, ठीक है ना? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, उसने स्टार्ट होने का पूछा है। दे हैव नॉट मेंशन द नेक्स्ट स्टेप कि स्टार्ट हो गए चली के नहीं चली, है ना? तो मेरे पास हो गए क्या क्या नहीं है? मैं आपको एक मिनट बता रही हूँ, रुको तो सही, हौसला तो करो। हाँ जी, यहाँ पर जो है कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जिसका आपका आंसर जो है आपके अकॉर्डिंगली, आप उस सिचुएशन को कैसे लेते हो वो डिपेंड करता है। अगर मैं स्टार्ट होके चलने की भी बात करूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली सोचूं, कार स्टार्ट होके चलने की भी बात करूं, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये नहीं होगा। तब क्यों? स्टार्ट होके भी आगे नहीं चली। अगर मैं इतना ही सोचूं सिर्फ कार स्टार्ट करनी है और बंद, तब इक्वली लाइकली है ना। तो ऐसे केसेस में हमारे पास नो डाउट कई बार दो दो ऑप्शंस आ जाती हैं, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ओके जी, यहाँ पर आप जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली करें, अगर नो लिखा है तो आप नो लिख सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर यस भी हो सकता है। हम एक बार फिर डिस्कस, मैं सोच के आपको बता दूंगी, ठीक है? गलत नहीं करना हमें, ठीक है? नेक्स्ट, कम टू, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिस द शूट। ये तो है ना क्या? नहीं है? क्यों नहीं है विवान? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, तो वो तो मिस ही हो गया ना, वो तो मिस ही हो गया ना बेटा। अगर वो कह रहा है कि हमारे पास जो है उन, क्योंकि दो ही ऑप्शन होती है जब आप लगाते हो शूट करते हो, तो दो ही ऑप्शन है बेटा। तो मेरे हिसाब से तो ये यस है, 100% यस आना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती। आप कोई गेम खेलते हो है ना, हम लोग शूट कर रहे हैं, शूट मतलब आपने किया, ठीक है? या लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, 100% है, क्योंकि आपको पहले थोड़ा पता होता है। चालाकी करोगे तो इक्वली लाइकली नहीं है, हम तो फेयर गेम की बात कर रहे हैं। दक्ष क्लियर? तीसरा, या तो कोई बताओ ना, चालाकी तो होगी ना, रास्ते में कोई बंदा आ गया, शूट तक पहुंचने से पहले ही उसने तीर को पकड़ लिया। मैं वही तो कह रही हूं, वो अनफेयर वाला हम नहीं काउंट करते। बात समझ आई? अरे हम तो बेटा ना होने वाले आए तो इकट्ठे ही ना, मैंने यहां से चौक थ्रो किया, दो ही ऑप्शन है, या चौक तुम्हारे तक पहुंचेगा या नहीं। मैंने ये थोड़ा देखना कि पहुंचने के लिए मैं स्पीड कितनी करूं, तुम्हें आगे बढ़ाऊं, अपने पास बुलाऊं, ऐसे तो होने के भी कितने चांसेस हैं, ना होने के भी कितने है, तो इक्वली लाइकली ना। मर्जी, इसमें तो मर्जी है ही नहीं ना, पहले वाले में फिर थोड़ी मर्जी चल सकती थी, इस पार्ट में तो मर्जी है ही नहीं कोई, यहां तो क्लियर कट है। चले आगे, चलिए, नाउ कम टू द थर्ड। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ जी,
अब तुमने क्यों कहा कि इक्वली लाइकली है? बिल्कुल जी, दो ही ऑप्शन है। हाँ जी, नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न जो है ही इज अ बॉय और अ गर्ल, 100% इक्वली लाइकली। हाँ जी, यहाँ मुझे पहले ही पता था कि यू आस्क दैट क्वेश्चन। हाँ जी, कि बेटा दैट इज कंसिडर एज अ ऑप्शनल केस, और वो भगवान के हाथ में है ना। हम ऐसे ही सोचे कि अच्छा मैडम ऐसे कैसे है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन, कोई भी एनी पर्सन एनी मदर एनी फादर डजंट वॉन्ट हिज और हर चाइल्ड टू बी इन दैट बाई जेंडर कंडीशन, नहीं चाहते ना। तो ओके, नो डिस्कशन ऑन दिस, नो डिस्कशन ऑन दिस प्लीज। विल यू नाउ कम टू द नेक्स्ट? बेटा अगर आपसे प्लीज एक्सप्लेन का मतलब, आप जैसे मान लो इक्वली लाइकली कह रहे हो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ना, कि ट्रू फॉल्स आने के चांसेस इक्वली होते क्योंकि एक क्वेश्चन में या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, बिकॉज बोथ द आउटकम्स हैव द इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 1/2। ओके, टारगेट में इक्वली प्रोबेबिलिटी है, हाँ 1/2, 1/2। अगर तीन है, जैसे मान लो डाइस में मैंने थ्रो किया, हर नंबर के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इक्वली लाइकली हो गया ना। एग्जाम्पल जैसे यही है मेरे पास जो है, आप कोई भी दे सकते हो। मान लो इफ आई, मैंने अभी आपको बताया इन अ गेम वेयर आई मार्क्ड वन स्लिप विद द लाइंस एंड अदर थ्री स्लिप्स आर, है ना, तो मैंने उठाना है, मैं किसको उठाऊ, कोई भी उठाए, हर इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है ना। जो भी वो स्लिप उठाएगा, जिसको पता चल गया क्योंकि वो मार्क्ड स्लिप है, वो इक्वली लाइकली नहीं हुआ ना। अच्छा एक और बताती हूँ, आप एक जो है, लेट मी टेल यू, यू कैन कंसिडर अ कॉइन विद बोथ साइड टेल्स, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0, आ ही नहीं सकता, तुमने दोनों तरफ क्या ले लिया, टेल, दैट कॉइन इज नॉट इक्वली लाइकली। ओके, अब पता चल गया। चलिए नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अगर इक्वली लाइकली हो तो वो हमेशा क्या होता है, फेयर जो है गेम ही होती है, फेयर चॉइस होती है। अगर इक्वली लाइकली नहीं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, मैंने राजा की स्लिप पे लाइंस लगा दी, क्या वो फेयर गेम थी? नो, क्योंकि वहां पर जो है हर इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली मैं कंसिडर नहीं कर रही। ओके बेटा, क्लियर, चले नेक्स्ट। अब बेटा विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरे पास जो है कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए बी नेगेटिव है, और अगर मैं फर्स्ट देखूं तो 1 से कम है, सी देखूं तो 15%, मतलब 15/100.15, ये भी क्या है 1 से कम है, और 0.7 ये भी क्या है 1 से कम है, तो दैट मींस सिर्फ बी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं हो सकती। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, हां जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
0.05, आई नीड प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की, 1 point प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 minus 0.05, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर. ओके, कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन. अ बैग कंटेन्स जो है लेमन फ्लेवर्ड जो है कैंडीज ओनली जो है. वन गर्ल टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? ऑरेंज है ही नहीं, तो दैट मींस मेरे पास प्रोबेबिलिटी जीरो और टोटल, टोटल मुझे दी नहीं ना, नथिंग, जीरो ओवर टोटल रहनी तो बेटा क्या है, जीरो. सेकंड पार्ट, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फेवरेबल भी मेरे पास जो है टोटल जितनी और नीचे भी टोटल, तो ये कट गया तो आंसर कितना आया, वन. आप एक्स लेके कर सकते हो, टोटल नहीं लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ द लेमन कैंडीज बी एक्स, तो एक्स ओवर एक्स दैट इज वन. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. इट इज, बेटा आपके पास एमसीक्यूज हैं तो आप सीधा, अभी तक मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, सीबीएसई की तरफ से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आई है. जब एक सैंपल पेपर आ जाएगा हमें पता चल जाएगा क्यों बार बार दक्ष ने वही बात रिपीट करनी होती, ऑलवेज. जब आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अनलेस द सीबीएसई विल नॉट सेंड वन सैंपल पेपर और इंस्ट्रक्शन, हम आपको प्रॉपर लिखना करना सब कुछ बताएंगे. वंस द वन सैंपल पेपर इज सेंड, आफ्टर देन वी विल टेल यू शॉर्टकट्स, आप पूरी तरह अप्लाई कर सकते. ओके, प्लस वन के तो पेपर आगे देने हैं ना, उनके लिए सब कुछ लिखना आना चाहिए. और सेकेंड टर्म में तो रिटन पेपर सब्जेक्टिव होना है, उसके लिए तो फिर करवाएं के ना तैयारी अभी से. हाँ जी बेटा, ये नहीं आना, लिखना भूल जाओगे. इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स Not having the same birthday, मेरे पास यहाँ पर दिया है कि 3 स्टूडेंट में से कि दोनों का, obvious है एक का तो सेम बर्थडे होता ही नहीं ना, होगा तो दो की बात करेंगे ना, कि प्रोबेबिलिटी दो का सेम बर्थडे मेरे पास जो है उसने कहा है कि नहीं है, दैट इज 0.992. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास हो गए प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, दैट इज 1 minus 0.992. बैठना आता आपको? हाँ जी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए. A bag contains, मेरे पास तो है 3 red balls. In the question number 8, 3 red balls, 5 black balls. हाँ जी, a red ball is जो है drawn at random from a bag. What is the probability that the ball is a red? Probability of red. हाँ जी, फेवरेबल इवेंट्स 3, टोटल 8. नेक्स्ट मेरे से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, बिल्कुल जी 5/8. हाँ जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क है आप कर सकते हो. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 जो है 50 पैसा कॉइन. मेरे पास एक पिगी बैंक है जिसमें आप मनी सेव करते हो, तो उसमें जो है 50 पैसा कॉइन्स
मेरे पास कितने हैं, 100, और 1 रुपी कॉइन 50, 50 1 रुपी कॉइन, 25 जो है 2 रुपीज कॉइन एंड 20, ओके, एंड 10 जो है आपके पास 5 रुपीज कॉइन. इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न जो है अपसाइड डाउन. हम जैसे गुल्लक जो जिसमें ना ऐसे कट लगा होता है मिट्टी की गुल्लक, अगर उसे उल्टा करें तो कई बार कोई कॉइन निकल आता है. कहते सारे कॉइन्स ना एक जैसे, ये नहीं कि वन का कॉइन जो है वो पतला है तो जल्दी निकल आएगा, फाइव का मोटा है तो नहीं. हम ये मान के चलते हैं सब कॉइन्स इक्वली लाइकली हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज अ 50 पैसा कॉइन. 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 100. तो दैट मीन्स 50 पैसा कॉइन मेरे पास फेवरेबल 100 ओवर टोटल. हाँ जी, टोटल कितने, हाँ जी, तो दैट इज आप इन सब का प्लस कर लो तो 180 कटिंग कर लो, यू गेट योर आंसर. ओके नेक्स्ट बेटा, हाँ जी, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन मेरे पास. हाँ जी, 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए. 170 by 180, ओके जी, क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th मेरे पास हो गए. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11th, लेट अस रीड द क्वेश्चन. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11th देखिए बेटा. गोपी, वन गर्ल बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉपकीपर फॉर हिज एक्वेरियम. द शॉपकीपर टेक्स वन टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 male fish एंड 8 female fish. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश. अब देखो बेटा, प्लीज इकट्ठे होके मत बोलिए. मेल फिश 5 है और टोटल फिश कितनी होगी, 13. तो आंसर क्या आएगा, 5 by 13. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 12th. वेरी इजी एक्सरसाइज, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इस चैप्टर में से यहां से हट के आते हैं ऑलवेज. नहीं बेटा, बेस तो इसी से बनना है ना, ठीक है जी. गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच जो है कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर. नंबर मुझे दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक. हाँ जी, एंड दीज आर इक्वली लाइकली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. कोई ऐसे इकट्ठे नहीं बोलेगा, टर्न बाय टर्न पीछे से शुरू हो जाओ. कार्तिक है, हाँ जी, 1 by 8, क्योंकि टोटल 8 है, फेवरेबल 1 है, तो आंसर इज 1 by 8. हाँ जी, नेक्स्ट दक्ष, सेकंड पार्ट, एन ऑड नंबर. हाँ जी, अगर 1 से 8 तक मैं ऑड नंबर देखूं, 1, 3, 5, 7 फोर नंबर है, तो 4 by 8. हाँ जी, थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, ग्रेटर देन 2. हाँ जी, रियान, 6 by 8, 2 काउंट नहीं करना. ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता ना, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो बेटा मैं यहां पर 7 by 8. हाँ जी दक्ष, किसमें, ऑड में 1 नहीं लिया, लिया तो है, 1 इज अ ऑड नंबर बेटा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वो कॉम्पोजिट नहीं होता, प्राइम नहीं होता, ऑड तो होता है बेटा. हाँ जी, नाउ कम टू, हाँ जी,
अ नंबर लेस देन नाइन, 8 by 8 आंसर इज 1. वेरी गुड. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13. हां जी, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ डाइस थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. हां जी बेटा, कैसे आया 3? प्राइम नंबर पहले बताओ कौन कौन से. 2, 2, 3, 5. क्योंकि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मेरे पास हो गए प्राइम नंबर, यहां पर आया 2, 3, तो ये हो गया 3 by 6. नेक्स्ट मेरे पास हो गए अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. हाँ जी नेक्स्ट. हाँ जी 3 by 6, 1 by 2. नेक्स्ट मेरे पास हुआ है एन ऑड नंबर 3 by 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक कितने ऑड नंबर हैं? 3, 3 by 6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. हाँ जी, 1 कार्ड इज ड्रॉन जो है फ्रॉम ए वेल जो है शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर सक्षम. किंग ऑफ रेड कलर, पहले सोचिए किंग रेड कलर के कितने हैं. प्लीज आर यू सक्षम, आर यू सक्षम? 2 by 52. वेरी गुड. क्योंकि 2 सूट्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, है ना, और दोनों में एक एक किंग है, तो 2 by 52. नाउ मैंने अभी कल तो कराया नहीं कराया. हाँ ओके, चलिए लेट अस फर्स्टली सूट्स के रिलेटेड एक बार प्लीज प्लीज बेटा प्लीज. एक बार हम प्लेइंग कार्ड्स को सारा रिकॉल कर लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है जी, मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. बेसिकली इसको 4 सूट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. 4 सूट्स, ईच सूट इज हैविंग 13 कार्ड्स. ओके, 1 is spade, then club, heart, diamond. इसकी शेप ऐसे होती है, heart, बेटा doesn't matter, मैंने उल्टा देख लिया. अरे मैंने कोई नीचे आंख लगाई? ओके जी, खुश, हैप्पी, क्लब, स्पेड. अब बेटा हर सूट में जो 13 कार्ड्स हैं वो कैसे? अच्छा पहले कलर सेलेक्ट कर लें. ठीक है जी, स्पेड का कलर. हाँ जी, उसके बाद मेरे पास क्लब का भी, रेड कलर, रेड कलर. दैट मींस अगर मैं देखूं टोटल रेड कलर्स 26, टोटल ब्लैक कलर. अब हर सूट में
हर सूट में, इन एवरी सूट मेरे पास एक होता है एस, देन टू थ्री सो ऑन टेन, देन जैक क्वीन किंग, ओनली दीज थ्री आर द फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स इन वन सूट, ओके थ्री होते हैं तो टोटल फेस कार्ड्स 12 हुए, 3 प्लस एस इज नॉट काउंटेड एज फेस कार्ड, प्लीज ध्यान से, ओके अगर मैं पूछूं टोटल रेड फेस कार्ड्स 6 और टोटल रेड कार्ड्स किंग, टोटल किंग्स, टोटल रेड किंग्स, ऐसे कुछ भी हम पूछ सकते, ओके जी, हाँ जी वो भी क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी, ओके हाँ जी नेक्स्ट पार्ट जो है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑरली करते हैं, लेट अस सी कि आंसर फटाफट आ जाएंगे। अब फेस कार्ड ऐसे नहीं टर्न, विवान आप बताइए, ओके नेक्स्ट, हाँ जी अ रेड फेस कार्ड 6/52, नेक्स्ट जैक ऑफ ए हार्ट आर यू रायना, वन बाय 52 क्योंकि जैक मतलब जे और किसका पूछा हार्ट का, वो एक ही होता है ना, ओके ठीक है जी, तो 1/52 अ स्पेड 13, स्पेड के कितने होते हैं 13/52, नेक्स्ट कम अ क्वीन ऑफ डायमंड, नेक्स्ट बेटा अ क्वीन ऑफ डायमंड 1/52, ओके बेटा चलिए नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15, ये सारी एक्सरसाइज ऑरली करने वाली है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि हम गए, हाँ जी उसने कहा 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड, 5 कार्ड्स होंगे वो यहां से जो गए वो हमारे पास जो है निक आर वेल शफल्ड जो है विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मेरे पास जो है डायमंड के ये 5 कार्ड्स हैं और इनको मिक्स करके इनका फेस नीचे रख लिया गया। अब उसने कहा 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, हाँ जी इनमें से एक कार्ड निकाला गया, What is the probability that the card is a queen? Next better student, Akshit. Okay, the time is over. Try to complete questions up to 20. Okay? Thank you.